प्यारे बच्चों चलिए हम लोग आइए फिर से पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब से विज्ञान का विषय। विज्ञान सब्जेक्ट में साइंस सब्जेक्ट में 10th क्लास में हम लोग जस्ट पिछले ही दिन प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र को प्रूफ किया था। और आपको याद होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूला का अगर बात करें तो भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, भी का मतलब प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दूरी, यू का मतलब वस्तु दूरी, और एफ का मतलब फोकस दूरी। अब आज हम लोग प्यारे बच्चों इसी का फार्मूला का यानी कि इसी दर्पण सूत्र का हम लोग यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल में, यानी कि इससे न्यूमेरिकल में कैसे यूज किया जाता है पहले उसको समझेंगे। सबसे पहले कुछ नोट करने वाली बात है प्यारे बच्चों, वो ये कि हमेशा वस्तु दूरी जो होती है u का वैल्यू हमेशा माइनस में लिया जाता है, चाहे कोई भी दर्पण क्यों ना हो, चाहे कोई भी दर्पण हो हमें जो लिया जाता है वस्तु दूरी वो हमेशा सभी में, यानी कि वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा उस पर क्या लिया जाता है, तो हमेशा इसको लिया जाता है माइनस में। जरा आर का बात करें, आर का मतलब होता है प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या का बात करें तो आर का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है और नेगेटिव भी लिया जाता है। प्यारे बच्चों पॉजिटिव कहां लिया जाता है और नेगेटिव कहां लिया जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो आर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लिया जाता है कहां पे, तो आर का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है उत्तल दर्पण में। जब भी आपको बोलेगा कि उत्तल दर्पण है तब आर का वैल्यू आपको प्लस में लेना होगा, और आर का वैल्यू माइनस में कब लेना होगा प्यारे बच्चों, जब ये मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, आर के बारे में, आर जहां आर क्या है जरा समझिए, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। अब R का वैल्यू कहां पे प्लस लेना है कहां पे माइनस लेना है, तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा लेना है R का वैल्यू प्लस, और अवतल दर्पण के लिए R का वैल्यू लेना है माइनस। अब चलिए हम लोग जरा F पे पहुंचते हैं, तो F का भी वही रूल नियम है, F का वैल्यू प्लस में लेना है किसके लिए, उत्तल के लिए। और जरा बात करें F का वैल्यू माइनस लिया जाता है किसके लिए प्यारे बच्चों, अवतल के लिए। यानी कि यहाँ पे हमें चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है, हमेशा उत्तल रहे चाहे अवतल रहे वस्तु दूरी को हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में। अगर हम बोले कि कोई एक दर्पण है उत्तल जिससे 10 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि वो 10 मीटर कौन सी में लेना है, माइनस में लेना है। आर का वैल्यू प्लस कब यूज करेंगे, जब उत्तल होगा, जब R का वैल्यू अवतल दर्पण होगा सवाल में अवतल बोलेगा तब R का मान हम माइनस में यूज माइनस वैल्यू यूज करेंगे। अगर F का वैल्यू उत्तल होगा तो प्लस, और F का वैल्यू माइनस कब, जब अवतल होगा तब। जरा फोकस का बात कर लेते हैं, तो अगर फोकस दूरी, फोकस तो हो गया, प्रतिबिंब का बात कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब के लिए अगर बात करते हैं तो हम लोगों को उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण हमेशा किसमें, दर्पण के पीछे बना होता था हम लोग का प्रतिबिंब। तो याद है ना चिन्ह परिपाटी कि ध्रुव के बाईं तरफ की जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो ध्रुव के जो बाईं तरफ होती है वो होती है वैल्यू हम लोग को माइनस, और उसके दाएं तरफ का जो वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव। अच्छा, चिन्ह परिपाटी में हम लोग ये भी पढ़े कि ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है, तो हमें ऊपर की ओर दूरियां प्लस और नीचे की ओर मापी गई दूरियां होती है माइनस। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कि आर हो गया एफ हो गया, प्रतिबिंब दूरी बात करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी आप उसके नीचे लिख लीजिएगा, भी का वैल्यू कब यूज करना है प्लस और कब यूज करना है माइनस। पहले बच्चों भी का वैल्यू प्लस तब यूज करेंगे जब उत्तल दर्पण होगा, यानी कि प्लस वैल्यू तब यूज करते हैं जब उत्तल दर्पण होगा, और माइनस कब यूज करते हैं, जब वो अवतल दर्पण होगा।
यानी प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जो दर्पण सूत्र में भी यू एफ का जो वैल्यू हमें यूज करना है उसके लिए आपको ध्यान रखने वाला बात है कि कहां पे हम लोग माइनस यूज करते हैं, कहां पे हम प्लस यूज करते हैं और फिर हमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि जब कभी भी उत्तल दर्पण बोलेगा तो हम यूज करेंगे भी का मान प्लस, और जब अवतल बोलेगा तो भी का माइन वैल्यू माइनस यूज करेंगे। इतना चीज आप नोट कर लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए। अब जरा आप क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखा जाए, हम बोल के क्वेश्चन लिखवा रहे प्यारे बच्चों, तो आप यहां से क्वेश्चन लिखिए फिर हम उसका सॉल्यूशन अभी करेंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन लिखिए, किसी गाड़ी में पीछे की दृश्य को देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। चलिए क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आप लिखे हैं तो क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि एक गाड़ी है और उस गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा हुआ है। वो उत्तल दर्पण किस लिए प्यारे बच्चों? पीछे की भाग को देखने के लिए। यानी कि पीछे की भाग को देखने के लिए एक उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया गया है। तो जब उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया गया है तो आप यहां से लिख दीजिए कि दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? तो उत्तल दर्पण में। अब हमको जो भी काम करना है वो उत्तल दर्पण में करना है। अब उत्तल दर्पण में तो हमें पता है कि क्या क्या का वैल्यू यूज किया जाता है। अब उत्तल दर्पण दे दिया, बोला गया कि उस उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो 3 मीटर है, तो उसका त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों कोची में 3 प्लस में, तो आर का वैल्यू प्लस 3। अब बोला जा रहा है कि उस गाड़ी में जो दर्पण लगा हुआ है उस दर्पण से बस की दूरी, यानी कि पीछे बस आ रहा है तो बस एक का दूरी, तो बस एक वस्तु हो गया जिसको हम लोग उसका प्रतिबिंब देखने वाले हैं। तो बोला जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण के आगे से एक बस आ रहा है तो जिसकी दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? 5 मीटर। यानी कि जो बस है उससे 5 मीटर की दूरी है, तो एक बस क्या है? एक वस्तु हो गया। तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लिखा जाता है, तो यहां -5 मीटर। तब बोल रहे प्यारे बच्चों कि इसका प्रतिबिंब का स्थिति बताइए। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब दूरी बताइए, और वो कहां बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा? यानी कि प्यारे बच्चों यहां से हमें भी का मान निकालना है। तो सबसे पहले भी का मान तभी ना निकलेगा जब दर्पण सूत्र में यू और एफ का मान नजर आएगा। तो सबसे पहले आप यहां से निकालिए, चूंकि आर का वैल्यू 3 मीटर, तो आर का फॉर्मूला होता है ना R = 2F। आर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है R = 2F। तो R के जगह पे 2F लिखे तो यहां हो जाएगा 3 मीटर, इसलिए फोकस दूरी का वैल्यू कितना हो गया? 3/2 मीटर। यानी कि प्यारे बच्चों F का भी वैल्यू कुछ ही में आ गया, प्लस में। तो F का वैल्यू है दिया हुआ, U का वैल्यू दिया है, तो V का वैल्यू निकालना है। तो अब आप चलेंगे कौनची से? अब आप लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से निकालिए, तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/V
वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। तो भी के जगह पे कितना रखना प्यारे बच्चों, नहीं भी तो निकालना है तो भी को भी छोड़ दीजिए, प्लस वन बटा यू के जगह पे कितना रखना है प्यारे बच्चों, साइन को साथ में लेकर यूज करना है, इसीलिए तो साइन के बारे में भी हम लोग पढ़े। तो यहां माइनस पांच है तो माइनस पांच लिख दीजिए बराबर एक बटा, एक का मान कितना प्यारे बच्चों तीन बटा दो, तो नीचे लिख दीजिए तीन बटा दो। अब जरा इसको अच्छा से लिखेंगे तो एक बटा भी और प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस एक बटा पांच बराबर, और नीचे वाला दो कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर, तो ये नीचे वाला दो ऊपर चला जाएगा तो ये बच गया दो बटा तीन, और यहां वन बाई भी बराबर ये माइनस में प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो किस में बनेगा प्लस में, तो दो बटा तीन प्लस एक बटा पांच। तो प्यारे बच्चों कैसा बन गया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो वन बाई भी बराबर, वन बाई भी बराबर तीन और पांच का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा पंद्रह, और तीन पच्चे पंद्रह तो पांच गुणा का दस, और यहां प्लस तो यहां प्लस, पांच को तीन बार में कटेगा पांच से पंद्रह, तीन और एक को ऐड कर देंगे तो एक बटा भी बराबर तेरह बटा पंद्रह। अब चूंकि प्यारे बच्चों भी का मान निकालना है तो इसको विपरीत करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा भी बटा एक और ये हो जाएगा पंद्रह बटा एक, और इसलिए भी बटा एक को भी लिख सकते हैं और पंद्रह को तेरह से अगर डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट लगभग एक टू लगभग आएगा, यानी 1.12 मीटर के आसपास आएगा। प्यारे बच्चों भी का वैल्यू कोची में आया प्लस में आया, तो हम यहां से लिखेंगे, हमको सवाल क्या बोला था कि प्रतिबिंब का स्थिति बताइए और प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि दर्पण के दाएं बनेगा कि दर्पण के बाएं बनेगा, तो यहां पे लिखेंगे कि प्लस में ना आया, तो प्लस कब होता है जब दर्पण के दाएं ओर बनता है, तो हम या फिर बोल सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है, तो यहां पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्यों दर्पण के पीछे बोल रहे हैं क्योंकि प्लस में आया है, अगर यही माइनस में आता प्यारे बच्चों तब हम बोलते हैं कि दर्पण के आगे बन रहा है, क्योंकि दर्पण के आगे जब होता है माइनस, हम लोग तो चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं, तो यहां पे प्लस आया तो इसको बोलेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.12 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। चलिए फिलहाल एक और क्वेश्चन लिखा जाए। यदि कोई बिंब यानी कि वस्तु, यदि कोई बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण में सॉरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, पूर्णविराम दर्पण से, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग काम करते हैं। सबसे आप इस क्वेश्चन में पढ़िए तो क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है कि अवतल दर्पण का केस है। प्यारे छात्रों यहां पे अवतल दर्पण है, कभी कभी आपको प्यारे बच्चों अवदर्पण दिया भी नहीं रहेगा, जैसे आपको बोलेगा कि एक व्यक्ति सैलून जाता है बाल दाढ़ी बनवाने के लिए, तो वहां पे आपको जैसे ही सैलून में ढूका तो आपको समझना होगा कि वहां अवतल दर्पण होता है। अगर आपको इसे दे देगा कि एक बाइक के, बाइक में लगा हुआ साइड मिरर में जो दर्पण है उसके बारे में बोला जाएगा, तो जब भी वहां पे तो आपको कुछ अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि यहां पे कौन सा दर्पण हो रहा होगा, ठीक है,
और नहीं तो सवाल में बोल दिया तो और ठीक है। तो यहाँ पे तो सवाल बोल दिया कि एक भाई अवतल दर्पण है जिसमें फोकस दूरी फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर तो पता चल रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में अभी हम लिखे कि फोकस प्लस होता है तो प्लस लिख दिए। अब बोला जा रहा है कि इस अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, एक बिंब रखा गया है, तो उस वस्तु दूरी को u बराबर कितना लिखेंगे, माइनस में 25 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है सवाल कि आप प्रतिबिंब दूरी का स्थिति प्रकृति बताइए, तो ये तो f और u का मान बैठाकर और v का वैल्यू प्यारे बच्चों निकाल देना है। अगर वहां माइनस आएगा तो आप बोलिएगा कि दर्पण के आगे जितना आएगा उतना मीटर दूरी पर, अगर वो भी का वैल्यू प्लस में आएगा तो दर्पण के पीछे चला जाएगा उतना मीटर की दूरी पर। तो आप इस क्वेश्चन को खुद अपने से ट्राई करिएगा इस भी का वैल्यू निकालने के लिए। तो और होमवर्क्स के तौर पे दर्पण सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको अभी लिखवा रहे हैं, टोटल होमवर्क्स में 3 क्वेश्चन देने वाले हैं आपको। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप ही को बनाना है, हम सिर्फ हिंट्स कर दिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कौन सा दर्पण में है और उस दर्पण में किसका किसका वैल्यू क्या होगा वो वैल्यू आपको यूज करना है और जिसका वैल्यू बोलेगा उसका वैल्यू निकालना है। प्यारे बच्चों आप इसको खुद से कीजिएगा और 3 क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क्स में। चलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन, अगर हम ज्यादा फास्ट बोले तो आप वीडियो को रोक रख कर क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाए, कोई व्यक्ति दांत के डॉक्टर से मिलने जाता है, कोई व्यक्ति दांत के डॉक्टर से मिलने जाता है, पूर्ण विराम, वह अपने दांत को दर्पण से, वह अपने दांत को दर्पण से पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है तो उसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, यदि उसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी यदि उस दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, दूसरा क्वेश्चन, कोई वस्तु जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब
10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तो का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दर्पण सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन, उस पे जो जो क्वेश्चन आता है उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। तो आप प्लीज जो क्वेश्चंस हम दिए हैं आप प्लीज इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिए, जरूर से जरूर बनाइए और बिल्कुल फिर आपको ग्रुप में सेंड करना है ताकि हम चेक करेंगे किसका कितना सही है। अगर आपका गलत रहेगा आपका हम बोलेंगे गलत है, और जहां तक अगर होगा तो हम सॉल्यूशन करके भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास को यहीं तक खत्म किया जाए, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो में। धन्यवाद।